हेलो एवरीबॉडी, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो हम एक लेटेस्ट रिलीज मूवी की बात करेंगे जिसमें अपने अक्की सर हैं। हाँ, मैंने एक शॉर्ट में बात करनी थी अक्की सर के बारे में कि कमबैक हुआ कि नहीं। वैसे कमबैक जैसी कोई चीज़ है नहीं भी अक्की भाई के लिए, कि अक्की भाई ना ऊपर से कूद सकते हैं भगवान के बिल्कुल साइड वाले फ्लोर से, तब भी कुछ ना हो शायद। एक दो हड्डियाँ तो नॉर्मल बात होती है, मजाक कर रहा हूँ भाई, इनवेंसिबल नहीं है इंसान, ठीक है। तो इन्हीं सब फालतू बातों को छोड़ के आगे बढ़ते हैं अपने रिव्यू पे। जिस मूवी का रिव्यू आज मैं करने वाला हूँ उसका नाम है खेल खेल में। तो मूवी में ही एक कैरेक्टर ऐसा दिखाया जाता है जो चित्रांगदा ने प्ले किया है। और मैं सच बोलना चाहूँगा, मैंने लास्ट जो मेरे को दिमाग में मैंने देखी थी गैस लाइट, उसमें थी वो, और उसमें भी बाई वॉट क्या कमाल थी। और उससे पहले कब देखी थी वो देसी बॉय थी, उससे ज़्यादा मैंने मूवीज़ देखी नहीं शायद। वो हैं भी नहीं इतना खास एक्टिंग में, कुछ प्रोजेक्ट कर लेती हैं कभी कभार मन से, बट ऐसा एक्टर कहते हैं वो वाली नहीं है वो, या है, मैं गलत बोल रहा हूँ, पता नहीं, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मूवी एक और बंदे की कमबैक वीडियो है, अक्षय कुमार की हो ना हो, फरदीन खान, यस यू गेस्टेड राइट। तो मूवी का बेसिक प्लॉट ये है कि कुछ फ्रेंड्स और कपल्स जो कह सकते हो, कपल्स जो फ्रेंड हैं वो एक दिन एक पार्टी में मिलते हैं, एक शादी में मिलते हैं। और उन्हें उनमें से एक को सोचती है एक गेम के हम सब एक काम करेंगे कि जो फोन्स हैं उन सब के फोन्स अनलॉक करके टेबल पे छोड़ देंगे, और आज रात से कल सुबह तक देखेंगे कि कितने जो भी मैसेज आएंगे वो पब्लिक हो जाएंगे, मतलब हम सब में पब्लिक हो जाएंगे, कोई ये प्राइवेट चीज़ है नहीं इस पूरी रात। तो ये बेसिक प्लॉट है मूवी का। तो तुम कह सकते हो ये अराउंड द टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है बस थोड़े बकचोद लोगों की, जो एक दूसरे की लाइफ में फुल मजे चाहते हैं अलग वाले। तो मूवी है किस बारे में? मूवी है सीक्रेट्स को जानने के बारे में एक दूसरे के, जो कि शायद से दोस्त अगर एक दूसरे को बता दें तो ये अच्छा रहता है, किसी पर्सनल लाइफ में क्यों घुसना है तुम्हें। बट तुम अगर ऐसे बंदे हो जिसको चुगलियाँ करना बहुत पसंद है और तुम मूवी देखना जाना चाहते हो तो वेल एंड गुड है जी, अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हो। हाँ, गॉसिप किंग हो जाओगे तुम अपनी फैमिली में, और फिर शायद से तुम्हारे घर में भी ये गेम खेली जाए जिसमें तुम बहुत गंदा पिटो, क्योंकि तुम्हारे राज मुझे पता है बहुत ख़राब होने वाले हैं। हाँ, वैसे इससे एक चीज़ कर सकते हैं, अपना कोई भी अजीब राज इस कमेंट सेक्शन में लिख दो अगर तुम्हें मन करे तो। अनलॉक करके इस टेबल पे रख देते हैं, जिसको भी कोई कॉल या मैसेज आएगा सबके सामने खोल के पढ़ ले। तो मूवी का प्लॉट हमें घुमाता है बहुत कैरेक्टर्स के आसपास, उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, सबकी पर्सनल लाइफ हौच पौच हो रखी है। और जब वो टेबल पे आते हैं उन फोन में मैसेज, तो पता चलता है कि किसने क्या क्या कांड कर रखे हैं और क्या क्या कांड होने हैं। साथ साथ हमें पता चलता है कुछ कैरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ के बारे में, सभी की पर्सनल लाइफ के बारे में सॉरी, बट कुछ की पर्सनल लेवल पे बिल्कुल के हाँ, और कुछ की कपल लेवल पे, मतलब समझ रहे हो, कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं, बट क्यों हैं वो मूवीज़ में ही पता चलता है। वाणी कपूर और अक्षय कुमार की केमिस्ट्री दिखाई जाती है मूवी में, बट मैं पर्सनली खुश हुआ अक्षय कुमार और फरदीन खान की केमिस्ट्री देख के, क्योंकि वो ब्रदरहुड जो शायद से मेरे को नॉस्टैल्जिया में पहुँचा दिया कि हाँ भाई एक्टर तो फरदीन खान भी अच्छा है। क्योंकि मैंने जो मेरे दिमाग में बहुत मेमोरेबल मूवी है जो फरदीन खान और अक्षय कुमार की है, वो मेरे लिए है हे बेबी। और वो हे बेबी बहुत अच्छी मूवी है जिसमें रितेश देशमुख भी हैं और विद्या बालन भी हैं। तो अगर वो तुमने नहीं देखी है तो मस्ट वॉच मूवी है, तुम इसको छोड़ के वो भी देख सकते हो क्योंकि वो इससे ज़्यादा बढ़िया लगेगी। तो मूवी एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा है, जो कि तुम्हें अगर अच्छा लगता है फैमिली कॉमेडी ड्रामा देखना तो बहुत अच्छे से जा सकते हो। बट हाँ, थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे चली जाती हैं, 18+ हो जाती है मूवी बीच बीच में। बट हाँ, अगर तुम बहुत ही खुले विचार होगे अपने घर वालों के साथ तो मूवी देख सकते हो अपने घर वालों के साथ, मैं पर्सनली नहीं देखना चाहूँगा। और मूवी में दिखाया जाता है कि हर कपल एक दूसरे पे चीट ही कर रहा है। तुम कपल के बीच में एक ही इनसिक्योरिटी हो सकती है जो तुम दिखा सकते हो, कि ये उससे चीट कर रहा है, ये उससे चीट कर रहा है, और ये एक दूसरे में चीट कर रहे हैं, चीट चीट चल रहा है। तो मूवी यही है, लिटरली यही है, बस एक ही लौंडे का अलग है कि उसके कंपेटिबिलिटी इशूज़ नहीं है क्योंकि उसके साथ कपल ही नहीं है उसका, मतलब उसका पार्टनर ही नहीं है। तो सैड फॉर फरदीन खान, बट उसके साथ जो पार्टनर है वो शायद से तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे साथ हो, नहीं तो तुम्हारे साथ दारू वाला सीन हो सकता है, ठीक है, बड़ा पेट निकल गया तेरा। तो मूवी एक एवरेज सी मूवी है जो कॉमेडिक जॉनरा को इतना ज़्यादा अंदर तक टच नहीं करती है। पर्सनली मेरे को परफॉर्मेंस में, मैंने तुम्हें बताई दिया, अक्षय कुमार और फरदीन खान की एक्टिंग अच्छी लगी, और जो एमी विर्क का कैरेक्टर है वो भी अच्छी चीज़ें करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि और एक्टर्स काम नहीं करते, तापसी की भी अच्छी एक्टिंग है, बट जो स्टैंड आउट चीज़ें हैं वो इन तीनों पे मैं रखना चाहूँगा, एमी विर्क, तापसी पन्नू, अक्षय कुमार और फरदीन खान, चार हो गए सॉरी। और तीन क्यों हैं वो डायरेक्टर को ही पता है, क्योंकि कपल बनाना जरूरी है मूवी में, चीटिंग किसके साथ दिखाओगे, समझे। हाँ, तो मूवी एक ऐसी मूवी है तुम घर पे भी देख सकते हो मेरे हिसाब से, अगर तुम इसको थिएटर्स में देखने की सोच रहे हो तो देख सकते हो। हाँ, अगर तुम्हें बिल्कुल ही कुछ ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं देखना
और ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं देखना, क्योंकि अभी इसके कॉम्पिटिशन में मूवीज़ हैं जो कि अच्छी हैं। एक तो मैं 100% कह सकता हूँ, तो मैं इससे ज़्यादा पसंद आएगी जिसका नाम है स्त्री 2। तो अगर तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है तो जा सकते हो इसको देखने, बट अगर क्वालिटी चीज़ देखनी है तो है स्त्री 2 तुम्हारे लिए मस्ट। ठीक है, अब मेरे को गाली पड़ सकती है, बट दैट्स माई ओपिनियन। हाँ, तो अगर तुम्हें ये रिव्यू जितना भी पसंद आया हो उस हिसाब से कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो भी करना हो कर देना। और मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। कल है रक्षाबंधन, तो हैप्पी एडवांस रक्षाबंधन तुम सभी को, भाइयों, भाइयों बहनों खुश। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी से दुरुस्त रहना, और आते रहना मेरी हर नई वीडियो में, ताकि व्यूज़ बढ़ें। पिछली 3 वीडियोज़ तुमने नहीं देखी हैं, क्यों नहीं देखी हैं, जल्दी देखो, जाके नोटी नोटी हो रही।